बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी दुआ के साथ अपना व्लॉग शुरू करते हैं। कल गई थी मैं बाज़ार, दोपहर के बाद गई थी और अपनी बेटी की यूनिवर्सिटी के लिए उसे चाहिए था अबाया, और अबाया भी उसे ऐसा चाहिए था जो आजकल इन है। बच्चों को पता होता है भाई, तो कहती है मुझे चाहिए ऐसे वाला जिसके बाजू कफ वाले हों और फ्रॉक टाइप हो, और इस तरह का मुझे उसने पिक्चर दिखाई थी। तो मैंने बड़ा ढूंढ ढांड के उसके लिए लाई हूँ, और बाज़ार में जाना और चीज़ें ख़रीदना, तो अल्लाह माफ़ करे इतनी महंगाई है ना कि जिस चीज़ को हाथ लगाओ ऐसे लगता है वो शायद वो गोल्ड की है, जो इतनी ज़्यादा महंगी है। लेकिन इसके लिए लाना था क्योंकि इसका फ़र्स्ट डे होगा यूनिवर्सिटी का, तो फिर बच्चों को शौक़ होता है नई चीज़ों का। हालांकि मेरे पास दो अबाया पड़े हैं जो कि मैं खुद पहनती थी जब ये लोग छोटे थे, इनको लेके जाती थी स्कूल छोड़ने और वापस लेके आती थी, तो मैं अबाया पहन के जाती थी क्योंकि बाज़ार में से गुज़र के जाना होता था तो अच्छा नहीं लगता था। वो बिल्कुल न्यू पड़े हैं, लेकिन वो कह रही हैं कि नहीं मुझे एक नया ले दें, तो कभी मैं वो आप वाले पहन के जाऊंगी और कभी ये। तो मैंने कहा चलें ठीक है, फिर मैं इसका अबाया भी ले आई जैसा इन्होंने मेरी बेटी ने डिमांड की थी, बिल्कुल सेम वैसा ही लाई हूँ। उसे ब्लैक कलर का चाहिए था वही लाई हूँ, और ये हिजाब चाहिए थे इसको वो लाई हूँ, उसके साथ हिजाब लाई हूँ, बहुत अच्छा कपड़ा था। और तीन ले आई मुख्तलिफ कलर के कि जो चाहिए आप ले लो। तो जनाब ये मेरे नेबर्स दे गए हैं कपड़े, चार सूट हैं कि जी हमें सिलाई करके दें, तो मैं उन्हें मना नहीं कर सकी, तो मैंने कहा चलो सिलाई कर दूंगी तो कोई बात नहीं, मुफ्त में थोड़े करके दूंगी, पैसे भी तो लूंगी। तो ये वो वाले कपड़े हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये चार सूट लेके आई हैं, किसी सिलाई करके दें वो इंशाल्लाह ताला आज इनको सिलाई करूँगी। और यहाँ पर मैं अब शुरू हो गई हूँ, नलकी वगैरह ले आई थी कपड़ों के साथ की, और स्टार्ट कर रही हूँ पहले ट्राउज़र से। अपने भी इतने ज़्यादा रखे हुए हैं सूट, वो भी सीने हैं। बस एक बेटी की शर्ट सिलाई की है मैंने कुछ दिन पहले, पहले आपको दिखाई थी, फुल नहीं सिलाई की थी, आज दिखाऊंगी। ये देखें मैंने फुल इसको सिलाई कर लिया है और इसकी इस्त्री रह गई है, बाकी इसको ओवरलॉक वगैरह करवा लिया था, और ये बिल्कुल सिंपल था। और ये विस्कोस का है साया का, बहुत अच्छा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मेरी बेटी को इसका कलर बहुत अच्छा लगा, तो ये उसके लिए सिलाई की है। और बाकी अभी करने हैं सिलाई सारे कपड़े, इंशाल्लाह ताला सिलाई करके फिर आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो जनाब आज मैं बना रही हूँ मिक्स सब्ज़ी, और देखें कितना बड़ा गोभी का फूल है। हमारे घर में मिक्स सब्ज़ी खा तो लेते हैं लेकिन गोभी की स्मेल किसी को पसंद नहीं है, मुझे तो इतनी पसंद है कि मैं कच्ची भी खा जाती हूँ धो के। एक ये हो गया, एक शिमला, एक से डेढ़ शिमला मिर्च हो गई, एक आलू हो गया, चिकन निकाल के मैंने रखा हुआ है वो, और जितनी ये चीज़ें हैं ना इसका मैं बनाती हूँ आज मिक्स सब्ज़ी मज़े वाली। ये देखें जी मेरी मिक्स वेजिटेबल हो चुकी है रेडी, ये नज़र आ रही सही तरीके से, मैंने बिल्कुल आज बारीक बारीक काटे हैं ताकि ना जल्दी से गल जाए। इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना शिमला मिर्च की और मसालों की, मेरी फेवरेट है। आप कमेंट करके बताना कि किस किस को मिक्स वेजिटेबल पसंद है। तो जनाब हमारी मज़ेदार सी मिक्स वेजिटेबल रेडी है, और साथ बनाए हमने फुलके, और इसके ऊपर मैंने डाली है अजवाइन क्योंकि ये बादी होती है, तो इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट ज़रूर डाला करें, और जब बन जाए तो इसके ऊपर थोड़ी सी अजवाइन डाल दें, इससे फिर गैस नहीं बनती है।